मलकापूर येथे उत्तर प्रदेश व झारखंडचे 77 नागरिक मलकापूरच्या नॅशनल हायवे क्रमांक 6 वरून वेगवेगळ्या वाहनाने जात होते. परंतु मलकापूर एमआयडीसी एरियात नाकाबंदी दरम्यान या वाहनांना पकडण्यात आले होते व त्या वाहनातील नागरिकांना कोरोनाच्या भीतीने त्यांचे मेडिकल चेकअप करण्यात आले होते व त्या नागरिकांना तात्पुरत्या निवारा केंद्रावर आणण्यात आले व त्यांचे जेवणाची व राहण्याची सोय करण्यात आली आहे. याच निमित्त सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्था पुढे येऊन त्यांनी मदतीचे हात पुढे केले आहे. अशीच एक संस्था किसनलाल संचेती ही वेळोवेळी आपल्या पद्धतीने समाज कार्य करत असते. त्यानिमित्त चहा, नाश्ता, दुपारचे जेवण व सायंकाळी चहा व रात्रीचे जेवण असा पूर्ण खर्च या संस्थेमार्फत करण्यात आला. याशिवाय आज रोजी प्रधानमंत्री राहत कोष मध्ये 31,000 रुपये चेकद्वारे देण्यात आले. किसनलाल संचेती संस्थांचे अध्यक्ष सतीश कुमार चोरडिया व सचिव सुरेश कुमार संचेती यांचे व त्यांचे टीमचे सर्व स्तरावरून कौतुक होत आहे. कोरोना डिसीजने अपना फैलाव फैला दिया है और उसे रोकने की बहुत कोशिश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत भरकस ऐसे प्रयास किया है और उन्होंने कुछ हिदायतें दी है कि इसके लिए हमने कैसा रहना चाहिए. उस आधार के ऊपर अभी कुछ लोग सूरत से अपने गांव जाने की कोशिश में थे, यूपी जा रहे थे, कुछ बिहार जा रहे थे, झारखंड जा रहे थे. इन सबको यहाँ पर मलकापुर गाँव में, बुलढाणा जिला मलकापुर गांव, यहां पर उनको डिटेन करके यहां का फार्मेसी कॉलेज पे उनको यहां पर रखा है. और एक हमारी संस्था है किशनलाल जी नागरी सहकारी पत्र संस्था. इस संस्था यह संस्था हमारी हमेशा ही सामाजिक कार्य करने में अग्रसर रहती है. किसी भी प्रकार का प्रकोप गांव में हो, कोई भी अच्छा काम हो, सुख दुख का काम हो, सबके इसमें शरीक होने का काम हमारी संस्था करती है और उनको मदद करती है. उसी के मायने में आज यहाँ पर जो लोग रुके हैं उनके आज के पूरे दिन की व्यवस्था, सुबह से नाश्ता, 12 बजे खाना, उसके बाद में 5 बजे चाय और रात को 7:30 से 8 बजे के बीच में फिर से रात का भोजन, इतना सब हमारी संस्था करने वाली है. और ये कोई हमारा दायित्व समझ के हम कर रहे हैं, कोई किसी के उपकार नहीं है, किसी के उपकार की भावना से भी हम करते नहीं हैं काम. ये पूरा हमारा सामाजिक दायित्व है. मेरे पिताजी किशनलाल जी संचेती यहाँ के MLA रह चुके हैं और उनके ही विचार सरणी के ऊपर हम लोग चलते हैं और उनके विचारों के आधार पर हमारी संस्था ने यह कार्य किया. प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि इस कार्य करने के लिए जो फंड की आवश्यकता है, उन्होंने फंड देने के लिए जो आह्वान किया था, इसलिए हमारी संस्था किशनलाल जी संचेती नागरिक सहकारी पत्र संस्था 31,000 रुपये का डोनेशन PM फंड में देने जा रहा है. इतनी एक घोषणा यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ. मैं झारखंड का रहने वाला हूँ. नाम? मेरा नाम है कलीम अंसारी. कहाँ से आए? गुजरात से आ रहा हूँ. कहाँ जाना था? झारखंड जाना है. आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अस्तक अंसारी. मैं गुजरात से आ रहे थे, झारखंड जाना है. मेरा गांव झगरूडीह, जिला गिरिडीह, पोस्ट चतुर. कॉलेज हो रहा है. बेटो, बेटो, नीचे बेटो. मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम है. मैं गुजरात में रहता था, झारखंड का हूँ सर. झारखंड जाने जा रहे थे. और मेरा नाम मुमताज अंसारी है. मैं गुजरात में रहता हूँ, झारखंड जाना था. मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी है. मैं तो गुजरात में रहता हूँ, झारखंड जाना चाहता हूँ. मेरा नाम सैयद अंसारी है. झारखंड जाना है, गुजरात से आ रहा. सुभाष मानकर, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिति मलकापुर. तालुक्यातील तात्पुरत्या निवारा केंद्रांसाठी मी नियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्य पाहत आहे. 28 मार्चला झारखंड आणि उत्तर प्रदेशातल्या 77 लोकांना जे आपल्या गावाकडे चालले होते वेगवेगळ्या वाहनांनी, त्यांना देशामध्ये लॉकडाऊन असल्यामुळे इथे थांबवण्यात आलं. आपले प्रशासन या सर्वांच्या पाठीशी आहे. या झारखंड आणि उत्तर प्रदेशातल्या मित्रांच्याही आम्ही सोबत आहोत. त्यांना कुठल्याही प्रकारची कमी प्रशासनामार्फत पडणार नाही याची मी सर्वांना हमी देत आहे. झारखंड आणि उत्तर प्रदेशातल्या निर्वासितांच्या म्हणूयात, स्थलांतरितांच्या म्हणूयात, ह्या लोकांची नियमितपणे वैद्यकीय तपासणी आपल्या प्रशासनामार्फत, आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येत आहे. त्यांच्या राहण्यासोबतच इतर काही सुविधा, साबण, तेल इत्यादी सुविधाही प्रशासनामार्फत आणि संस्थांमार्फत यांना पुरवल्या जात आहेत. त्यांच्या आरोग्याची संपूर्णतः काळजी घेण्याची जबाबदारी ह्या सर्वांना कुठल्याही प्रकारची अडचण भासू नये यासाठी सर्व प्रशासन
मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे. एमसीएन न्यूज करिता संदीप सावची, मलकापूर.